मैं बहुत अदब से आवाज़ दे रहा हूँ जो मालेगांव की सरजमीन से हमारी दावत पर तशरीफ़ लाए, जनाब वाहिद अंसारी साहब से वो तशरीफ़ लाए कि सोने वालों को जगा दे शेर के एजाज़ से, सोने वालों को जगा दे शेर के एजाज़ से, खिर मने बातिल जला दे शो लाए आवाज़ से। ज़ोरदार तालियों के साथ इस्तकबाल कीजिए जनाब वाहिद अंसारी जो मालेगांव से तशरीफ़ लाए। थक चुकी इख्तिताम चाहती है, वाह, थक चुकी इख्तिताम चाहती है, जिंदगी अब कयाम चाहती है। थक चुकी इख्तिताम चाहती है, जिंदगी अब कयाम चाहती है, दरगुजर कर दिया बुजुर्गों ने, दरगुजर कर दिया बुजुर्गों ने, नस्ल नौ इंतकाम चाहती है। थक चुकी इख्तिताम चाहती है, जिंदगी अब कयाम चाहती है, दरगुजर कर दिया बुजुर्गों ने, नस्ल नौ इंतकाम चाहती है। एक नया शेर अगर आपको अच्छा लगे, आपको तो मुतासिर करे, तो अपने होने का एहसास दिलाएं, है ना। अच्छा सुनने वाले लोग बैठे हैं, बड़ी खुशी की बात है। जिंदगी अब कयाम चाहती है, एक तवायफ जहेज में अपने, वाह, एक तवायफ जहेज में अपने, इज्जत व एहतराम चाहती है, एक तवायफ जहेज में अपने, इज्जत व एहतराम चाहती है, एक तवायफ जहेज में अपने, इज्जत व एहतराम चाहती है। भाई बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा है भाई साहब। एक तवायफ जिंदाबाद जहेज में अपने, वाह, इज्जत एहतराम चाहती है, थक चुकी इख्तिताम चाहती है, जिंदगी अब कयाम। हमारे शायरी जमात के एक बहुत बड़े शायर कृष्ण बिहारी नूर, लखनऊ के रहने वाले, इंतकाल हो गया उनका, उनका एक शेर बहुत मशहूर हुआ था, चाहे सोने के फ्रेम में जड़ दो, चाहे सोने के फ्रेम में जड़ दो, आईना झूठ बोलता ही नहीं। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। तो एक मतलब दो शेर सुन लीजिए इसी जमीन पे, जिसके अंदर कोई खता ही नहीं। आइए आबिद भाई, वेलकम। मैं कहीं और से शुरू होना चाहता था, लेकिन आप नहीं थे तो मैं कहीं और से शुरू हो गया। तशरीफ रखे। जिसके अंदर कोई खता ही नहीं, ऐसा कोई मुझे मिला ही नहीं। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, वाह। जिसके अंदर जिंदाबाद, ऐसा कोई मुझे मिला ही नहीं, दे दुआ दुश्मनों को जीने की, इससे बेहतर कोई सजा ही नहीं। दे दुआ दुश्मनों को जीने की, इससे बढ़कर दे दुआ दुश्मनों को जीने की, इससे बेहतर कोई सजा ही। बहुत अच्छे अच्छे गज़ल के शेर पढ़े गए उस्ताद नईम अख्तर साहब ने और हसन काजमी साहब ने, बहुत अच्छे अच्छे गज़ल के शेर पढ़े। एक गज़ल के शेर, एक शेर मैं भी पढ़ता हूँ, अब मुझे लगे कि गज़ल का शेर आप सुनते हैं, खालिस गज़ल का शेर है ना, रंग तगज़ुल। और ये शेर, जिसके अंदर कोई खता ही नहीं, ऐसा कोई मुझे मिला ही नहीं, दे दुआ दुश्मनों को जीने की, इससे बेहतर कोई सजा ही नहीं। क्यों क्यों पिघलने लगा बदन तेरा, वाह क्या कहने, क्यों पिघलने लगा बदन तेरा, मैंने तुझको अभी छुआ ही नहीं। दे दुआ दुश्मनों को जीने की, इससे बेहतर कोई सजा ही नहीं। क्यों पिघलने लगा बदन तेरा, मैंने तुझको अभी छुआ ही नहीं, मैंने तुझको अभी छुआ। बहुत शुक्रिया, वाह बहुत शुक्रिया, क्या कहने। नौशाद भाई से हम लोग चाय पी रहे थे, तो मैं नौशाद भाई से डिस्कस कर रहा था कि मेरे समझ में नहीं आ रहा है, हर रात का यही काम है हमारा, हर रात जलसा नातिया मुशारा गज़ल का मुशारा पढ़ते हैं, लेकिन आज मैं इतना कंफ्यूज था, समझ में ही नहीं आ रहा था कि आज क्या पढ़ा जाए, क्या किया जाए। कोई अजीब सा, मतलब उर्स का मुशायरा, सहन में ये मुशायरा, मन नहीं कर रहा था कि किस तरह से शायरी का सफ़र का आगाज़ किया जाए। तो मैं चार मिसरे साहिब उर्स साहिब आस्थाना के हवाले से चार मिसरे पढ़ दूं, ताकि मेरी हाजिरी लग जाए जी, और आप उसकी तायद कर दें तो आपकी भी हाजिरी लग जाए। उर्स का प्रोग्राम है,
चार मिसरे पढ़ता हूँ, समाप्त करना है। हर एक मौज से, हेलो थोड़ा सा इको दे दो भैया ना, हर एक मौज से, थोड़ा सा जुड़ जाए, गुजारिश मेरे कारोबार में सबने बड़ी इमदाद की, दाद लोगों की गला अपना गजल उस्ताद की। तो यहां वो मामला नहीं है, अल्लाह का करम है कि राइटर है, कुछ थोड़ा बहुत लिख लेते हैं। हर एक मौज से कश्ती निकाल देते हैं, हर एक मौज से कश्ती निकाल देते हैं, हर एक मौज से कश्ती निकाल देते हैं, भंवर की नाक में रस्सी जो डाल देते हैं, भंवर की नाक। आप थोड़ा सा शरीक हो जाएं, अच्छा लगे तो। भंवर की नाक में रस्सी जो डाल देते हैं, भंवर की नाक में, यही वो लोग हैं जो डूबने नहीं देते, 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 पकड़ के बाजुए आशिक उछाल देते हैं, पकड़ क्या कहने क्या कहने, उछाल देते हैं, भंवर की नाक में रस्सी जो डाल देते हैं, भंवर की नाक में, भंवर की नाक। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, जिंदाबाद। और एक मतलब दो शेर और सुन लीजिए जी, यता कीजिए भाई साहब। बाबा अब्दुल्ला आशा ये जो है कादरी भी है ना, एक मतलब हाँ नौशाई और कादरी, एक मतलब और एक शेर सुन लीजिए। मैं वहां आऊंगा, आप जहां मुझे लाना चाहते हैं, लेकिन मैं पहले हाजिरी लगा लूं, हाँ उसके बाद फिर मुशायरेबाजी होगी, फिर अभी पूरी रात बात की है। और 10-20 हजार का मजमा नहीं चाहिए, बस ये इतने लोग काफी हैं, हाँ इतने में तो काम हो जाएगा, इतने में तो कई रात पढ़ सकते हैं, वाह एक रात के नहीं कई रात के बैठे हैं मेरे सामने, अल्लाह सलामत रखे, बहुत शुक्रिया। मतला हाँ बहुत शुक्रिया, मतला और एक शेर पढ़ता हूँ, समाज पर मैं मदीने वाले की नगरी में बैठ जाते हैं, क्या कहने क्या कहने, वाह मदीने वाले की नगरी में बैठ जाते हैं, मदीने वाले की नगरी में बैठ जाते हैं, जो गौसो खाजा की कश्ती में बैठ जाते हैं, जो गौसो खाजा कश्ती में बैठ जाते हैं जो गौसो खाजा की ये आस्ताना है, औलाद गौसे आजम का ये आस्ताना है, औलाद गौसे आजम का यहाँ वजीर भी मिट्टी में बैठ जाते हैं, यहाँ वजीर
बैठ जाते हैं। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। वजीर भी मिट्टी में बैठ जाते हैं। ये आस्ताना है औलाद गौसे आज़म का, यहाँ वजीर भी, यहाँ वजीर भी मिट्टी में बैठ जाते हैं, यहाँ वजीर भी। शेर पढ़ता हूँ, काफिये की दाद चाहूंगा, अगर लगे कि अच्छा शेर है तो मुझे अपनी मोहब्बतों से नवाजना। अब्दुल्ला शाह के इस आस्ताने से सफर करता हुआ ये शेर बगदाद शरीफ तक के सफर करता है, अब अपने जहन में रखे। जी अता कीजिए हुजूर, अता कीजिए। जो गौसो ख्वाजा की कश्ती में बैठ जाते हैं, जो गौसो ख्वाजा की फिर उनको हशर का, फिर उनको, उन उनसे मुराद मुखातिब आप हैं। कश्ती में बैठ जाते हैं जो गौसो ख्वाजा की, फिर उनको हशर का सूरज बिछू नहीं सकता, फिर उनको हशर का सूरज बिछू नहीं सकता। जो इन फकीरों की, जो इन फकीरों की छतरी में बैठ जाते हैं। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। जाते हैं जो इन फकीरों की। और ये आखिरी शेर क्या कहने फिर भाई, उसके बाद गजल के बहुत सारे शेर। जिंदाबाद। आखिरी शेर, मुझे इत्मीनान हो गया कि मैंने अपनी हाजिरी मैंने दर्ज करवा दी। जो इन फकीरों की छतरी में बैठ जाते हैं, जो इन फकीरों की, वो जिनको दुनिया की ताकत बिठा नहीं सकती, वो जिनको दुनिया की ताकत बिठा नहीं सकती, वो इनकी एक ही, वो इनकी एक ही चुटकी में बैठ जाते हैं, वो इनकी एक ही। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा है। चुटकी में क्या कहने, क्या कहने, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। वाह। वो इनकी एक ही चुटकी में बैठ जाते हैं, वो इनकी एक ही, फिर उसको कोई भी सूरत भली नहीं लगती, फिर उसको कोई भी सूरत भली नहीं लगती। ये जिनकी आंखों की, ये जिनकी आंखों की पुतली में बैठ जाते हैं। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा लगे। में बैठ जाते हैं मदीने वाले की नगरी में बैठ जाते हैं, जो गौसो ख्वाजा की। बहुत शुक्रिया। अब बहुत शुक्रिया। अब आइए चार चार मिसरे और अब यहाँ से सफर का आगाज। गम अपनी मोहब्बत का मखसूम न हो जाए, हम दोनों की चाहत की फिर धूम न हो जाए। गम, एक शेर पढ़ना है मुझे, ये शेर मुझे बताएगा कि मुझे कितनी देर आपकी खिदमत करनी है। गम अपनी मोहब्बत का मखसूम न हो जाए, हम दोनों की चाहत की फिर धूम न हो जाए। ये सोच के रोया हूँ बरसात के मौसम में, ये सोच के रोया हूँ
बरसात के मौसम में, बरसात के मौसम में गम मेरा जमाने को मालूम ना हो जाए, गम मेरा जमाने को मालूम ना हो जाए, मालूम ना हो जाए। वो कत्ल मेरा करके लौटा है अभी वाहिद, क्या क्या वो कत्ल मेरा करके लौटा है अभी वाहिद, वो कत्ल मेरा करके लौटा है अभी वाहिद, लौटा है अभी वाहिद। तुम उस पे नजर रखना मासूम ना हो जाए, तुम उस पे नजर रखना मासूम ना हो जाए, मासूम न हो जाए। बहुत अच्छे, और क्या कहने हुजूर। और एक मतलब दो तीन शेर सुन लीजिए जी, यथा कीजिए। आपका सबसे, आप लोगों का सबसे बड़ा मसला ये है कि आप जब बोलते हो तो बहुत बोलते हो, जब संजीदा होते हो तो फिर एकदम संजीदा हो जाते हो। ऐसा लगता है कि गुब्बारे में किसी ने सुई मार दी हो। हाँ क्या हुआ? नहीं नहीं, तो चचा के काम की बात नहीं हो पा रही है, है ना? हाँ, अब मुझे तो नहीं मालूम लगे कौन सी बात इनकी है। मैं तो कोई तीर, मैं तो अपनी बात करूंगा ना। हम उसके घर में घुस के उसकी गर्दन काट आएंगे, लगा लगा लगा। हम उसके घर में घुस के उसकी गर्दन काट आएंगे, कसम अल्लाह की दुश्मन अगर बाहर का निकला तो। वाह। हम उसके घर में घुस के उसकी गर्दन काट आएंगे, कसम अल्लाह की दुश्मन अगर बाहर का निकला तो। तुम उसका क्या करोगे यार, ये ऐलान तो कर दो, हमेशा की तरह इस बार भी अंदर का निकला तो। क्या कहने जिंदाबाद। क्या करोगे यार, ये ऐलान तो कर दो, हमेशा की तरह इस बार भी अंदर का निकला तो। और ये चार मिसरे सुन लीजिए, उसके बाद एक गजल आपकी खिदमत में पेश करूंगा। साबित करोगे खुद को वफादार कब तलक, हमको कहोगे मुल्क का गद्दार कब तलक, साबित करोगे खुद को वफादार कब तलक, हमको कहोगे मुल्क का गद्दार कब तलक। एक बार आर पार का सिक्का उछाल दो, एक बार आर पार का सिक्का उछाल दो, चुन चुन के यू ही मारोगे दो चार कब तलक। एक बार आर पार का सिक्का उछाल दो, चुन चुन के यू ही मारोगे दो चार कब तलक, चुन चुन के यू ही मारोगे, साबित करोगे खुद को वफादार कब तलक, हमको कहोगे मुल्क का गद्दार कब तलक। एक बार आर पार का सिक्का उछाल दो, चुन चुन के यू ही मारोगे दो चार कब तलक, चुन चुन के यूं ही मारोगे दो चार कब तलक। और दो तीन शेर सुन लीजिए। शायद इसमें एक आध शेर के काम का निकल जाए। कोई लेता रहा हिचकियां रात भर, कोई लेता रहा हिचकियां रात भर, कोई लेता रहा हिचकियां रात भर, और सोती रही बस्तियां रात भर, कोई लेता रहा हिचकियां भर।
शेर पढ़ता हूँ, समाज फरमाए। और सोती रही बस्तियां रात भर, कोई लेता रहा हिचकियां रात भर, ऐसे यादें तेरी वाह मेरे कमरे में थी, ऐसे यादें। शायरी में से महकात कहते हैं, महसूस करें। ऐसे यादें तेरी मेरे कमरे में थी, ऐसे यादें तेरी, ऐसे यादें तेरी, ऐसे यादें तेरी मेरे कमरे में थी, जैसे उड़ती रही, जैसे उड़ती रही तितलियां रात भर, जैसे उड़ती रही। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, जिंदाबाद। चैन से सो गई चांदनी अपने घर, चैन से सो गई चांदनी अपने घर, चैन से सो गई, चैन से सो सो गई चांदनी अपने घर, चांद लेता रहा। भैया बता दो मुझे, मैं उर्दू वाला हूँ या अंग्रेजी है? अच्छा अच्छा, ये शेर सुन लीजिए, अच्छा शेर है। चैन से सो गई चांदनी अपने घर, चांद लेता रहा, चांद लेता रहा सिसकियां रात भर, चांद लेता रहा इस सिसकियां रात भर, क्या कहने, वाह। लेता रहा हिचकियां रात भर। अच्छा वो नज्म का हुक्म है तो सीधे सीधे वही पढ़ दूँ और उसके बाद इजाजत है ना, क्योंकि आप सुनने के मूड में भी है। जो पीछे के लोग जो बैठे उनसे भी गुजारिश है कि थोड़ा सा आप भी जुड़ जाएं, है ना। हाँ बस लगे कि यहाँ से वहां लोग बैठे हैं। पटेल भाई, पटेल भाई थोड़ी देर, थोड़ी देर आविद भाई, पांच से सात मिनट बस ज्यादा जी, अगर कोई बहुत जरूरी काम हो तो फिर इजाजत है, और नहीं तो थोड़ी देर बैठे। इजाजत है, शुरू करें, शुरू करें। हाँ बस सुन के बताते, मैं पेश करता हूं समाज पर। मैं इस्लाम रहेगा जी, इस्लाम रहेगा। भैया भैया चेयर चेयर, पांच मिनट के बाद उठाना, आपकी आवाज से लोग मुड़ के पीछे देखने लग गए। अभी 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 ये सर्कस ये खत्म, ये सर्कस अभी खेल खत्म नहीं हुआ है। मैंने कहा ना आखिरी हिचकी बाकी है अभी, बस आखिरी सुन लीजिए। दो अलग अलग बहरों में इसके तीन चार पद पेश करता हूँ समाज पर मैं। इस्लाम रहेगा, इस्लाम रहेगा, इस्लाम रहेगा, इस्लाम रहेगा मेरा, इस्लाम रहेगा मेरा, इस्लाम रहेगा मेरा, इस्लाम रहेगा, इस्लाम रहे ऐसे नहीं रहेगा। इस्लाम बोलना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा, वहीं पे बोल, वहीं पे बोल जहां बोलना जरूरी है। उसे फन आ गया है बोलने का, तेरी खामोशियों का ये असर है। बोलना पड़ेगा, नहीं तो हमेशा के लिए खामोश कर दिए जाओगे। अगर इस नज्म पे नहीं बोलोगे फिर कब बोलोगे, है ना। ये नज्म हंगामा चाहती है। मुखड़ा पढ़ रहा हूं समाज फरमाए। इस्लाम रहेगा, इस्लाम रहेगा, इस्लाम रहेगा मेरा, इस्लाम रहेगा मेरा, इस्लाम रहेगा मेरा, इस्लाम रहेगा, इस्लाम रहेगा, इस्लाम रहेगा
घर घर पे रहेगा ये सरे आम रहेगा, घर घर में रहेगा ये सरे आम रहेगा, दुनिया में सदा मजहबे इस्लाम रहेगा, दुनिया में सदा मजहबे इस्लाम रहेगा, इस्लाम रहेगा जब तक मेरे सरकार का पैगाम रहेगा, इस्लाम रहेगा, इस्लाम रहेगा, इस्लाम रहेगा मेरा, इस्लाम रहेगा मेरा, इस्लाम रहेगा, इस्लाम रहेगा। पाबंदियां लगाओ हमारे बयान पर, पाबंदियां लगाओ हमारे बयान पर, और उंगलियां उठाओ बिलाली अजान पर, और उंगलियां उठाओ बिलाली अजान पर, बिलाली अजान पर जब तक रहेगा कलमा हमारी जबान पर, इस्लाम रहेगा, इस्लाम रहेगा, इस्लाम रहेगा मेरा, इस्लाम रहेगा मेरा, इस्लाम रहेगा, इस्लाम रहेगा। इसकी बुलंदियों को झुकाया न जाएगा, इसकी अगर सच्चाई है तो तायद करें, इसकी बुलंदियों को झुकाया न जाएगा, बढ़ता ही रहेगा ये घटाया न जाएगा, बढ़ता ही रहेगा ये घटाया न जाएगा, घटाया न जाएगा, मिट जाओगे इस्लाम मिटाया न जाएगा, इस्लाम रहेगा, इस्लाम रहेगा, इस्लाम रहेगा मेरा, इस्लाम रहेगा मेरा, इस्लाम रहेगा, इस्लाम रहेगा। जब तक जमी पे तैबा नगर की बहार है, जब तक जमी पे तैबा नगर की, क्या कहने वाहिद भाई, जब तक जमीन पे तैबा नगर की बहार है, जब तक हवा में करबो बला की पुकार है, जब तक हवा में करबो बला की पुकार है, बला की पुकार है, जब तक हमारे सजदों में परवरदिगार है, इस्लाम रहेगा, इस्लाम रहेगा, इस्लाम रहेगा मेरा, इस्लाम रहेगा मेरा, इस्लाम रहेगा, इस्लाम रहेगा। आखिरी बंद और उसके बाद इजाजत, जिस बंद के लिए मैंने नज़्म कही, अगर आप पहुंच गए इस बंद तक फौरन, इस तारीख का जिन लोगों का मुताला होगा वो इस बंद तक फौरन पहुंचेंगे, अगर आप फौरन पहुंच गए तो बहुत मजा आएगा इंशाल्लाह। जी हुजूर अता कीजिए। इस्लाम रहेगा, इस्लाम रहेगा, सब छोड़ के अजमेर की गलियों में फिरेगा, इस्लाम रहेगा, इस्लाम रहेगा, सब छोड़ के अजमेर की गलियों में फिरेगा, सब छोड़ के अजमेर की गलियों में फिरेगा, कुछ दिन के लिए ख्वाजा की खिदमत में रहेगा, कुछ दिन के लिए ख्वाजा की खिदमत में रहेगा, खिदमत में रहेगा, जोगी से मिलेगा तो ये योगी भी कहेगा, इस क्या कहने, क्या कहने, वाह, इस्लाम रहेगा, इस्लाम रहेगा। अभी मुझे लगता है कुछ लोग को शायद नहीं समझा ये बंद, मैं एक मरतबा और पढ़ देता हूँ, जब तक सब लोगों को नहीं समझ जाएगा मैं पढ़ता रहूंगा ये बंद, जब मुझे लगेगा कि सब लोगों तक पहुंच गए, सब लोग समझ गए, मैं मुझे इत्मीनान हो जाएगा, फिर मैं बैठ जाऊंगा, है ना। इस्लाम रहेगा, इस्लाम रहे, बहुत कमेटी के लोगों ने मेहनत की है, बहुत खर्च करके इतने बड़ा, इतना खूबसूरत मुशायरा इन लोगों ने सजाया है, और वो दो बच्चों ने, यहाँ के मकामी दो बच्चों ने नाते पाक पढ़ी थी, वहीं से मूड बन गया था लोगों का, बहुत सलीके से बहुत अच्छी नाते पाक उन दोनों बच्चों ने पढ़ी, जहाँ अगर वो होंगे तो उन तक अगर मेरी आवाज़ पहुँच रही हो तो मैं उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ। तो वो बुलंदी जो रही वो तस्बीह का पहला दाना है ना, ये मुशायरा एक तस्बीह जी अता कीजिए, तो वो पहला दाना या आखिरी दाना, इसके बाद सदर साहब पढ़ेंगे, तो बस ये बंद को ऐसा उछाल दें
कि ऐसा लगे कि ये मुशायरा आसमानों पे सफ़र कर रहा है और कामयाबी से हमकिनार हुआ, ताकि आने वाले साल में कमेटी के लोगों के और हौसले बुलंद हो और इससे बेहतर हमसे अच्छे शायरों को बुला के बड़ा मुशायरा करवा सके, है ना। इस्लाम रहेगा, इस्लाम रहेगा, सब छोड़ के अजमेर की गलियों में फिरेगा, कुछ दिन के लिए ख्वाजा की खिदमत में रहेगा, खिदमत में रहेगा, जोगी से मिलेगा तो ये योगी भी कहेगा। इस्लाम रहेगा, इस्लाम रहेगा, इस्लाम रहेगा, मेरा इस्लाम रहेगा, मेरा इस्लाम रहेगा, इस्लाम रहेगा। दुनिया की तीरगी में उजाला यही तो है, कुरान और खुदा का हवाला यही तो है, दुनिया की तीरगी में उजाला यही तो है, कुरान और खुदा का हवाला यही तो है, हवाला यही तो है, जिसको नबी ने गोद में पाला यही तो है। इस्लाम रहेगा, इस्लाम रहेगा, इस्लाम रहेगा, मेरा इस्लाम रहेगा, मेरा इस्लाम रहेगा, इस्लाम रहेगा।